देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। घुमा दे एकदम घुमा दे। ओके रेडी गो। अरे पकड़ लो। कैसे हो गुरती सर? ऊंट जैसे लंबो होगा हुआ है, बाप को पकड़ रहा हूँ। आपा है तो खेल खेल लो। अरे राजू चाय आए पिलवा दे यार, थक गए। आए रे पकौड़ो तल देगा चाय के संग। हम कस बोल रहे हैं बाप, दुकान में साड़ी की सेल लगी है तो ले चलो ना चाय लेके आए रे। दो चल 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 घुमाओ 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 इसको घुमाओ। ए घुमा घुमा, पहले सीधे खड़े हो। 15 दिन से ज्यादा हो गए तो मोरन को सारे हरो, अबे तक रिजल्ट ही ना आओ। ओ हाँ पेपर अभी तक चेक ही नहीं हुए पापा। मास्टर कहूँ गौ है का विदेशी यात्रा पे। हाँ अरे वाह पापा, आपको कैसे पता चला? हमें जैसे पता कि एक तो हम तुम्हारे बाप हैं, तो हमने मारू तुक्का तुक्का मारू तो सच में गौ का। हाँ हाँ सच में सच में विदेश चलू को मास्टर साहब। विदेश नहीं, हाँ। नहीं यहीं कहीं घूमने गए, पास में ही गए, विदेश नहीं। कैसे गए एग्जाम परीक्षा? एग्जाम अरे एक नंबर बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पूरे नंबर आएंगे, कोई चिंता मत लो। ना ना हम चिंता ना ले रहे, जिस तरीके से तू जेब में हाथ घुसेड़ के चोला कर ना के फर्स्ट क्लास गए और जो गए, हमें समझ में आ रहा हुआ शको रहो के नील बट्टी सन्नाटा। सबसे बड़ा अंडा यही ले आएगा। नहीं 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 पापा, टेस्ट इतना इजी था, हम तो बस मजे मजे से देके आए अपना टेस्ट। अच्छा बेटा, जहाँ तक हमें याद है तुम लोग जब एग्जाम देके आए थे तब तो तुम लोगों को मुंह उतरो भाव तो ना। नहीं, ऐसा कुछ ना, नहीं ना बेटा, दो दिन से ढंग से खाना ना खाए रही थे, हमें सब पता है। वो तो भूख नहीं लग रही थी। मर 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 जी, आप बैठो हम चाय लेके आए रहे हैं। नहीं उसकी जरूरत नहीं, आपके बच्चों ने पानी पिला के रखा है, पूरे स्कूल के नाक में दम कर रखा है इन्होंने। ना 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 मार साहब, वैसे हमारी लौंडाला पाड़ी थोड़ी है तो शैतान, लेकिन परीक्षा में एकदम जबरदस्त करके आए हैं। जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती करके आए हैं। हैं? हाँ एकदम बेकार टेस्ट दिए। ऊपर से डायरी में हमने लिखा था कि इनके माता पिता हमसे आके मिले है? 3 दिन हो गया, आप लोग के पास टाइम ही नहीं है? हमारे पास अरे ओते का बिलैया को ब्याह हो रहा हो, इतने मास्टर खड़े हुए सारे छत देख रहे हो। अरे अरे सर, मास्टर जी आप कब आए? गुड मॉर्निंग पापा, हम पढ़ाई करके आते हैं। अरे खड़े होते जो हम का सुन रहे, क्या बोल रहे हो? अरे हेलो, ये देखिए रिपोर्ट कार्ड है इनका, बड़े मुश्किल से पास हुए हैं, ज्योमेट्री में तो फेल होते होते बचे। सारी हम छाती मार मार के तुम्हारी फीस भर रही और तो मैं बड़ो वालू अंडा लिया रहे हैं। हम कसम से कह रहे मासम, हम जब भी थाने से आती हैं जाती, कसम से कह रहे हमेशा सारी यानी जी किताब ही में घुसे रहते हैं, लेकिन जो 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 रिजल्ट देख के सब असलियत समझ में आ रही। आपके बच्चे ना पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लेते हैं। कहे का सुन रहे जे हम? हाँ तुम जे बताओ रिजल्ट हमें कहना दिखाओ तुम लोगों ने। अरे वो का क्या है ना, हमने सोचा कि जब मार खाना ही है तो 3 दिन बाद खा लेते हैं, मतलब तब तक हम हमारी जिंदगी जी लेते हैं। देख रहे बुलेट ट्रेन से ज्यादा जुबान चलता है इनका। काश पढ़ाई में इतना दिमाग चलता। खैर अगली बार अगर गलती की ना इन लोगों ने तो मैं फेल करने में जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हटाओ जा, हट जा, देख बेहतरीन।
जो लंबो खंबा वो भी अंग्रेजी, सारे तबीयत खुश हो जाएगी। हैं कॉल चोहलाल, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है निहायत ही घटिया मतलबी और काइया टाइप के दोस्त हो, तब तब तुम आते हो और ऐसा कोई कांड करके ना मेरी सारी गलत फहमी दूर कर देते हो, मेरे दोस्त दूर कर देते हो। नहीं चोमलाल नहीं, अब हम तुम्हें एक वादा करते हैं, अब तुम्हें जब भी कभी पूरे जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, हम तुम्हारी मदद, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, ये हम तुम्हें वरदान देते, तुम्हारे सर की कसम खा के बोल रहे, तुम्हें वरदान देते हैं। समझ गए समझ गए समझ गए, ले ओ पैर। देव चीयर्स। चुंगुलाल, तुम हमें चीयर्स करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो एकदम भुजी भुजी सी है, एकदम डूबी डूबी सी हैं, क्या हुआ? ना ना, अबे लाइट बाकी है थोड़ी सी, लेकिन बहनी जैसे हमारी लौंडा लपाड़ियन की रिपोर्ट कार्ड आ रही ना हमारे पास, कसम से कह रहे हो ना, देख के सारू दिन में अंधेरू छा जाए, बिल्कुल नेल बट्टी सन्नाटा हर सब्जेक्ट में। बिन्नो सही बता रहे, हमारी खोपड़ी एकदम खराब हो गई है, इतो पढ़ाते हैं तब वो देखो कितने खराब नंबर लेके आए हमारे बच्चा आज। अरे यार कोई नई बात करना है तो हमेशा का ही है। नहीं मेरा मतलब ये कि बात को पकड़ के क्यों बैठी है, चलना रघु की कुल्फी खाते हैं। तुम्हें खान की पड़ी है, हमारी कमर अकड़ गई पढ़ाए पढ़ाए के, तब वो रिजल्ट इतो खराब आता है। जब मालूम है रिजल्ट खराब ही आना है तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है इतना? ये तो पगला है गई हो का? का उठपटांग बातें कर रही हो? अगर हम ना पढ़ाए ना तो बच्चन को स्कूल से निकाल भी की नौबत आ जाइए, तो मैं जीजा बिल्कुल ध्यान ना देते हैं। अच्छा मतलब पानी सर से ऊपर चला गया है। एक काम करते हैं, चल जीजू से बात करते हैं। गोइया अबे बेनी के संगे उनको प्रोग्राम चल रहा है। अरे तू चल ना यार, चल चला। बिन्नो गाना होना चल रहा ही होते। बैनी यार हमें भी ना बड़ो दुख होते हुए जब सारे हमारे लौंडाला पहाड़ी बिल्कुल सड़े भाई नंबर लाते हैं रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन कर भी कह सकते हैं, रज्जो जैसी औरत अगर पढ़ाएगी तो सारे ऐसे ही नंबर तो ले आएंगे। का मतलब? मतलब जो आज हमारी तनक ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी भाई होती ना, सारे लौंडा टॉप कर रहे होते, फिर का है हर चीज में समझदारी पैदा होती बच्चन की। लेकिन जा जा औरत हमें जब से मिली है ना बिल्कुल जब सिर्फ चुगली करने में माहिर है, तो सारे लौंडाला पहाड़ी चुगली करने में माहिर है, चमची तो नंबर वन पे है चुगली करने में, जैसे सिर्फ ताने चुगली जा 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 बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में तो नल बट्टी सन्नाटा है, और सारे ऐसे ही लौंडाला पहाड़ी बिल्कुल पिसड्डी, यही वजह से तो राय तो फैलू। एक मिनट, राजेश को पता ही है का कि बा अनपढ़ है? तुम्हारे दिमाग में राजेश के प्रति ऐसे मधुर विचार हैं, ये बात राजेश को पता है? अरे पता हो तो का है, बा मानती है का? जानती सब है, मानती गोइया कछु नहीं है, बा जिंदगी में ना मानेगी, बहुत बड़ी वाली है वा। तो मनाओ यार। सोन चिरैया
सोच रही है, बड़ी चुपचाप लेटी है, सोच रही है। सो रही का? ना ना, चोंच मारने की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार, ऐसी ऐसी हमसे का खता हो गई जो हमारी भूली गई है ऐसी चुपचाप लेटी। अच्छा, अबे तो तुम जई भोली गैया के सींग गिनाए रहे थे हा? जी कैसी बातें कर रही, तुम्हारी बातें हमारे पर लेना पड़ रही। अबे तुम अपने दोस्त के संगे हमारी चुगली ना कर रहे थे। अच्छा, अरे समझ गए, तुम हमें लग भी रहो तो ऐसी आतम तभी ऐसी हमसे बातें कर रही, तो मैं कहूँ गलत फहमी हो गई, हम तो हमेशा लाड़ जताती हैं, तुम्हारी नाक चढ़ा लेती हूँ। नहीं, तुम क्या बोल रहे थे कि हम एक नंबर की जाहिल गवार हैं, हाँ? बच्चन को पढ़ाते नहीं हैं, हमारी वजह से बच्चन के नंबर कम आ रही हैं। नहीं का का, अरे अरे का, अरे हम, का, अरे, अरे अम्मा हमारी आराम से बोलो, नहीं सब जग जाएंगे। नहीं अच्छू है, सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे हमारे बारे में का सुविचार है। नहीं तुम्हें ऐसे सुन लो कान खोल के, बच्चा पेड़ से ना गिरे हैं, ठीक है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन तुमने सारो दोस्त हमारी खुपड़िया पे मर दो है कि हमने पढ़ाओ नहीं है, हमें एक नंबर के जाहिल है, निठल्ली बैठे हैं घर में, है ना? तुम तो बस शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाए हम? अरे 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 ए बहू, है दिमाग खराब होगा हुआ तेरो, ने इतनी रात को इतो शोर कर रही है, है? अच्छा खासा हम माहौल बना रहे थे, बन गया हुआ तुम सारो किरकिरो कर दो, उतर गई सब। और तुम्हारे लाल जो हमारा खून खला रहे हैं बे, हाँ अम्मा पूछ ले ना बेनी से, हमारी कितनी भर भर के बुराई कर रहे थे। इतने को हलना स्पीटे, अक्कल नहीं है ढेले भर की, बहू की बुराई करनी आती तो हमारे पास आते ना, बेनिया के पास काहे गाओ? ठीक है सुन ले ना, हम बता रहे हैं, जे बोल रहे थे कि हमारी बीबी जाहिल है, गवार है, एक नंबर की निठल्ली है, बच्चन पे ध्यान ना देते, जे बच्चा हमारी वजह से फेल हो रहे हैं। अपुआ जे कहो तूने, जे बहुत गलत बात कही तूने। हमने ऐसो कछु ना कहो, जो बताओ बच्चन को पढ़ाने की कौन की जिम्मेदारी है? जे पढ़ाती है ना तो सारी जिम्मेदारी यही की है ना। पर नहीं 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 नहीं, मम्मी की कोई गलती नहीं है, सब गलती हमारी है, हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, मम्मी तो पढ़ा रही थी। हाँ मम्मी ने तो बहुत ट्राई किया, बस हमने गड़बड़ कर दी। सुन लो कचुना, सुन लो, झूठी तरफदारी कर रहे, बस कचुना होगो वाह बहुत सही है ना, खुद पढ़ाओ तब मालूम चलिए, है ना? आए गए, खुद तो पढ़ाते नहीं है, हम पे चढ़ रहे हैं। नहीं बहू बिल्कुल सही कह रही है अपुआ, भाई तेरे लौंडे लपाड़न को पढ़ाना ना आसान बात ना है। अरे छोड़ो, इतनी बड़ी बात नहीं है, स्कूल में भी पढ़ाई होती है। तो ठीक है आज से तुम पढ़ाओ इन्हें, तुम ही पढ़ाओ। नहीं 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 नहीं, पापा से हम नहीं पढ़ने वाले, हम मम्मी से ही पढ़ेंगे। पापा को क्या आता है? और क्या, हमें फेल होने को शौक है क्या? कबूलो, फेल होने का शौक नहीं है हमें। मतलब सारे बाप पढ़ाएगा तो फेल हो जाएगा? ठहर जा, अब तो बेटा हमारी बात आ गई, अब इज्जत की बात आ गई, अब तो तो को सारे हम ही पढ़ाएंगे, और अम्मा तुमसे बातों कर रहे सारो, हम जब पढ़ाएंगे लोनन को, देखियो इनको सारन को स्कूल में नंबर वन आएगो। नीचे से कबूलो, कुछ नहीं टॉप करेगो सारे, आंखें फटी की फटी हो जाएंगी, देख लियो, हमें पढ़ा दो, आज से हमारी जिम्मेदारी। ठीक है होगा हम ना? चलो फिर अब चुपचाप सो जाओ, हमें भी सोने दो, चलो बैड नाइट। के नजारा से मतलब है बापू, क्या हो गया कंफ्यूज लग रहा आज? ना ना, असल में का है, कई साल पहले देखी थी, अब 20-22 साल हो गए ना, तो तना वो आती दिख रही हम, बाकी जी सब हमारे लाने। अच्छा जो बताओ तुम, जो सब तो हम देखेंगे अभी आराम से, तुम्हारे हमें सबसे पहले तो जो बताओ कि तुम्हें कौन से विषय में दिक्कत है, मतलब कौन से विषय में तुम्हारे सबसे ज्यादा कमजोर हो, बाको दूर करेंगे। हम तो सभी विषय में कमजोर हैं। आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ। सब विषय में कमजोर हो, कुका मतलब
सारे यारो फिर का स्कूल के पीछे पढ़ाई करी का हवा खान गए। बाप छाती मार के फीस भर रहे हो सारे यारो, सब में कमजोर हो। अरे पापा, मास्टर जी इतना जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं कि सब सर के ऊपर से निकल के जाता है, हम कुछ कैच ही नहीं कर पाते। पापा एक काम करो आप जी, ना जे गणित शुरू करो जी, कछु समझ ही ना आते हुए। गणित में तो हमारे हाथ बहुत बढ़िया, मतलब सारे आस पड़ोस के लोग भी शाम के हमसे क्वेश्चन पूछना आती थी कि जाको जवाब दे दू का हाल है चा में बढ़िया। बापू ऐसा है, तेरा जो हिसाब किताब है ना वो बस न्योछावर जोड़ने तक ही सीमित रहता से, ठीक है स्कूल में काम ना आने वाला। ज्यादा व्यायाम कर ली का तूने, सवेरे सवेरे दिमाग में चढ़ गई गर्मी। अपनो काम कर, दिमाग को काम हमाओ है, तू अपनो यही कर बस। पापा अब ये छोड़ो, ये क्वेश्चन ना ये बहुत ज्यादा टफ है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। कैसे करूँ को का मतलब, मेहनत से करने, मेहनत से करो, नकल कर करके फर्रा बना बना के बहुत एग्जाम पास कर ले और बाप की खूब कटाई तुमने, अब मेहनत से करने हैं, एकाग्रता से करने हैं। पापा आपने बोलू तू की पढ़ांगे, अब तक तो बस आप ज्ञान दे रहे हैं। अरे तो हमें बहुत टाइम होगा, पहले हमें देखन तो दे सबको, जाए जा हाली रही सबको पहले समझ लें कि पढ़ाने का है। ये देखो ना ये वाला क्वेश्चन ही मुझे बहुत टफ लगता है, ये वाला। एक सेकंड दिखाइए, जो तेरी तेरी कक्षा की है इतनी मोटी मोटी। हाँ पक्का तेरी किताब है क्या? हाँ क्या हो गया बापू, सवाल देख कर जवाब निकल गया? अब तू सोच मम्मी से पंगे लेने का ना। हम जब से देख रहे हैं बहुत उंगलियां कर रही है, फालतू की बातें ना कर रहे थे, हमें पढ़ाने हैं। बापू देख ऐसा है, मन्ने तो ना बस तेरी फिकर हो रही, तूने ना इतना चौड़ा हो गया मम्मी से कहा था, अब ये तीनों के तीनों अगर फेल हो गए ना तो पूरी छत टूटने जितनी बेइज्जती हो जाएगी, गंदी वाली। कछु बेइज्जती ना होगी जब बाप पढ़ाएगा ना। अरे हमारी लौंडा लपाड़ी टॉप करेंगे, बात कर रही फालतू की। तुमको भरोसा है ना बाप पे? नहीं। हां है, आप पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अव्वल आ जाएंगे, ऐसे कैसे पहला नंबर आएगा हमारा, पहले पढ़ाना पड़ेगा उसके बाद ही तो हम अव्वल लाएंगे, फर्स्ट नंबर आएंगे। ये लो पहले ज्योमेट्री पढ़ाने बोला मैंने आपको। पापा मुझको भी ज्योमेट्री पढ़ाओ। ज्योमेट्री बहुत हार्ड है। अरे बहुत हार्ड होते हैं पता है। मुझे भी मुझे भी मुझे भी ये देखो ना ये वाला क्वेश्चन ये सबसे टफ है मेरे लिए। देखो मैं ऐसा लग रहा हूं एक अदरक वाली चाय पी लें पहले। हां तनक दिमाग भन्ना रहो ना, हमें तनक रिवीजन तो करन दे, घंटा भर को टाइम दे, फिर फटाफट काम होगो ना। देख अबे कई साल से तेरो बाप थाने में सिर्फ फाइलें देख रहे हुए, आज पहली बार किताबें देख रहे हुए, तो टाइम लगे ना, जा फटाफट अदरक की चाय बना लिया। Excuse me, sir. Sir, वैसे देखा जाए तो आपका हिसाब बहुत कमजोर है सर, लेकिन फिर भी किस चीज का हिसाब कर रहे सर आप? हम बातचीत को हिसाब लगा रहे कि अगर तू बेटा हमारे काम ना आओ तो तेरो बहुत ही खराब जगह जहाँ पानी भी नसीब ना हो उत पर ट्रांसफर करवाने के लाने हमें कितना टाइम लगेगा, एंगल बना बना के देख रहे। नहीं 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 सर, आई एम सॉरी सर, मैं तो आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर हूँ सर, प्लीज बताइए। जो बता, ज्योमेट्री में तेरो हाथ कैसो है? वैसे सर इस ब्रांड की शर्ट मैंने अब तक पहनी नहीं। हाँ लेकिन हाथ तो आ ही जाएगा सर। समझ गए, तेरे ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा हाथ तंग है, निलबट्टी सन्नाटा है सर। सर नोहर अबू सिंह जेंटा ज्यादा लग गई का मारे सारे के मारे। सॉरी सर, वो मैंने मतलब जगह बहुत कम है सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं मनोहर, होता है होता है। अबू सिंह, अरे वाह वाह, आज हप्पू के चेहरे पे बहुत चमक आ रही है, अच्छे लग रहे हो बहुत। साहब कछु काम है तो? हाँ 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 हाँ, काम तो ये था कि मेरे जिंदगी के सबसे पहले टीचर मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे सारा ज्ञान दिया, मुझे लाइफ की छोटी छोटी बारीकियाँ सिखाई, जिन्होंने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया। गुरुजी गुरुजी
करो जी। उनका जन्मदिन आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें खास गिफ्ट दूँ, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूँ। सर सर मैं बताता हूँ सर, सर आप आपके गुरुजी के लिए सोने का पेन दे दीजिए सर, मतलब कि आपके काले धन में से कुछ पैसा अच्छे मतलब पुण्य के काम में आ जाएगा। मनोहर पेन और डायरी जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, कुछ हटके हटके बताओ। जैसे पूछोगे तो पुराने ही आइडिया देगो। आपने हमारी तरफ देखो ही नहीं है, हमें बुरू लग गओ। सुनो, जॉन टीचर ने जॉन ने आपको इतनो ज्ञान को भंडार दो, जॉन ने आपको इतनो पढ़ाओ लिखाओ कि आज आप कमिश्नर बन गए। बाकू आप का दे सकते हो? कुछ नहीं। बाकू आप सिर्फ दिल से ढेर सारी बधाइयां दियो साहब, दुआएं दियो। अप्पू सिंह, मैं कौन हूँ? रेशमपला नहीं, सॉरी मतलब है कमिश्नर साहब। मैं कमिश्नर हूँ अप्पू सिंह, अगर कमिश्नर होकर मैंने अगर गिफ्ट देने में कंजूसी की तो ये बात मुझे मुझे शोभा नहीं देती। वैसे आपकी इमेज को देखते गुरुजी बुरा नहीं मानेंगे सर। हाँ हाँ, एक आइडिया दें। बोलो। अगर आप अपने गुरुजी को दोगे हाँ, तो खुशी के मारे ना एक तो गुरुजी होलोला जाएंगे, उनकी आंखें से बिल्कुल नदियां बहने लगेंगी खुशी। बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, क्या चीज़? आप गुरुजी को अपनी दे दियो जबान। व्हाट? एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी जबान दिखाइए। हाँ? दिखाइए सर जबान। ओह माय गॉड, मेरा मतलब सर जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दिया था वैसे कमिश्नर साहब अपनी जबान काट के दे दे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे तू आदमी है क्या पजामा? हम साहब जैसो कह रहे वो समझ ही ना रहे, जो तो है पकला। जबान को मतलब जो थोड़ी कह रहे कि जबान खच्चे से काट के दे दियो। जबान मतलब प्रॉमिस, गुरुजी को वादा करो, वादा करो कि हम आपकी सेवा में जीवन भर तत्पर हैं। अप्पू सिंह आइडिया तो बहुत अच्छा है, जरा खुल के बताओ। खुल के जो कि मतलब आप बोलो कि हम वादा कर रहे गुरुजी, हम आपकी सेवा में हमेशा हैं, जब भी मतलब एक एफडी करा दो वादा की, जबान दे दो ऐसी, जब भी गुरुजी को लगे एफडी मतलब कि आपकी जबान भुना सकें, कैश करा लें। बहुत बढ़िया। अप्पू मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा होनहार बेवकूफ आदमी इतना अच्छा आइडिया कैसे दे सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात है। मनोहर आई एम सॉरी सर। अब बोल। अरे यार बुरी फंस गई।